हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे आप बेबी ब्लैंकेट, शॉल, स्टॉल में यूज़ कर सकते हैं, जैकेट में बना सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, लेडीज टॉप, बच्चों के स्वेटर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मगर स्पेशली डिज़ाइन शॉल, स्टॉल और बेबी ब्लैंकेट्स के लिए हैं। तो और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर सी डिज़ाइन है। तो इसे बनाने के लिए हमें 6 का मल्टीपल प्लस 4 स्टिचेस चाहिए। 6 अच्छे अच्छे के हिसाब से चैन ली है और 4 चैन एक्स्ट्रा ली है, और फिर सब पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया है इस तरह से। तो अब देखिए, अब हम डिज़ाइन की फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, और ये सिर्फ 2 ही रो की डिज़ाइन है। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाया है, इस लास्ट डबल क्रोशिया, इसके बाद हम पहले एक चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के लिए, फिर यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाए, फिर यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड चैन में हम थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे थर्ड में, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, 1 2 स्किप करेंगे थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, 1 2 स्किप करेंगे थर्ड में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो 3 चैन बनाए, 1 2 स्किप करेंगे थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम 1 2 2 चैन हम डबल क्रोशिया के लिए बनाएंगे, और फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 हम चैन स्पेस के लिए बनाएंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे ऐड करेंगे, ऐड किया, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन। अब देखिए, जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें पफ बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया। देखिए बंद करने के बाद फिर 1 2 3, 3 चैन लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए इसमें नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन, फिर नेक्स्ट में हम पफ बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन लेंगे, फिर इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 2 3, देखिए अब इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, तो नेक्स्ट स्पेस में हम पफ बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर इसे हम बंद कर देंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस रो के हम लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए, आप पफ बनाया, 3 चैन बनाया, तो जो नेक्स्ट स्पेस है लास्ट वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, और देखिए जो शुरू में हमने एक चैन बनाई थी उसमें हम इस यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से रो फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी रो फर्स्ट थी। देखिए यहाँ पे 1 चैन हमने सिंगल क्रोशिया के लिया, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाए। अब देखिए यहाँ पे हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए ये इस जगह पे पफ के पहले, ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर इसके बगल में इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 के बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए जो 3 चैन बनाए, फिर यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3, फिर यहाँ पे इस जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर नेक्स्ट में हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे, फिर 1 2 3, 3 चैन, वही यहाँ पे। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही हमारी थर्ड रो भी होगी। तो 2 ही लाइन है, तो फर्स्ट और सेकेंड रो को ही रिपीट करना है। तो अब इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करना है। अब देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ से हमें टर्न होना है, तो यहाँ पे हमें 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, 5 चैन हमने बनाई। अब देखिए 5 चैन बनाने के बाद हम इसमें जो पहला वाला लूप है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए, फिर 1 2 3, 3 चैन बनाए,
फिर ये जो लूप है देखिए पफ के ऊपर है, इसमें हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, पांच बार लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर देखिए जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर वापस से 1 2 3, 3 चैन, फिर देखिए जो पफ के ऊपर जो चैन स्पेस है इसमें हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5, पांच बार लिया, फिर इस तरह से किया और इसे हमने बंद किया, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर नेक्स्ट स्पेस में देखिए नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर इसमें हम 1 2 3 4 और ये 5, पांच बार लूप लेंगे और फिर इस तरह से हम इसे बंद करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन बन रही है। अब ये सेकेंड रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में आ गए, तो पफ बनाने के बाद 3 चेन बनाए, फिर यहाँ पे हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन, और देखिए यहाँ पे 1 जो फर्स्ट वाली चेन है इसी में, फर्स्ट वाली चेन में ही हम इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि पफ वाला यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए डिज़ाइन आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। फिर वापस से आपको रो फर्स्ट से स्टार्ट करना है, एक चेन तो हम सिंगल क्रोशिया के लिए लेंगे और फिर हम 1 2 3, 3 चेन लेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाले चेन स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको अब ये दोनों रिपीट करना है। तो मैं ये दोनों लाइन थोड़ा सा और बना के फिर आपको दिखाती हूँ, तो आपको ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देती है, देख सकते हैं लग रही ना प्रिटी। और देखिए रॉन्ग साइड से भी इसका लुक सेम है, एक ही जैसा रॉन्ग साइड से भी है, तो आप इसे शॉल स्वेटर में बना सकते हैं। शॉल और स्टॉल इसकी बहुत खूबसूरत बनेगी, अगर आपको एक रंग में शॉल बनाना है स्टॉल बनाना है तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है शॉल स्टॉल के लिए। अगर आप शॉल स्टॉल बनाने का सोच रही हैं तो आप इस डिज़ाइन में शॉल स्टॉल ज़रूर बनाएं, अगर आप आसान डिज़ाइन चाहती हैं तो। अदरवाइज शॉल की अधिकतर डिज़ाइन जो होती हैं वो थोड़ी सी टफ़ होती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी पैटर्न है ये। मुझे उम्मीद है आपका पैटर्न पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपको ये पैटर्न कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।